क्या ऑनलाइन वीडियो कॉल पर सिंगिंग सीखी जा सकती है? क्या शास्त्रीय संगीत की, गायन की बारीक बातें आप अपने घर बैठे मुझसे कैमरा के थ्रू सीख सकते हैं? इस सवाल के जवाब को देते देते कई वर्ष हमें हो चुके हैं और आज भी उसी कड़ी में ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं यही बात समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने और मेरी पूरी टीम ने, संगीत प्रवाह वर्ल्ड की पूरी टीम ने कई टेक्निक्स डेवलप करी, कई वीडियोस बनाए, कई तरीके निकाले जिसके ज़रिए आप लोग अपने घर बैठे और मैं मेरे घर बैठे संगीत का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप मुझसे सीख सकते हैं, मैं आप लोगों से सीख सकता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें बांटने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि किस तरह से आप मुझसे वन ऑन वन पर्सनली वीडियो कॉल पर संगीत सीख सकते हैं, क्या उसके कुछ नियम हैं, क्या उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। और निःशुल्क भी सीखा जा सकता है, पेड क्लासेस भी हैं, तो दोनों तरीकों को मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में समाप्त करने की, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने नदियाँ किनारे देखे राम जी, मैंने गंगा किनारे देखे राम जी, मैंने गंगा किनारे देखे राम जी। वैसे तो मेरे लगभग हर वीडियो में मेरे व्हाट्सएप नंबर का जिक्र है जहां आप संपर्क अगर करते हैं, कांटेक्ट करते हैं मैसेज करके, विदाउट कॉल जस्ट मैसेज करके, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाती है कि किस तरह से आप मुझसे सीख सकते हैं। कई वर्षों से कई स्टूडेंट्स मुझसे सीख भी रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं, कई सीख के बहुत कुछ कर चुके हैं। कई लोगों को हमने अपने प्रोडक्शन पे, म्यूज़िक प्रोडक्शन पे हमारे स्टूडियो में बुला के गाने तक गवाए, वो भी किया, रिकॉर्ड भी किया, उनको आज एक अच्छे खासे मकाम पर भी हमने पहुँचाने की पूरी कोशिश करी, अपनी ऑडियंस के साथ उनको बांटने की कोशिश करी। तो संगीत तो सीखा जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं इस चीज़ का जिक्र करूंगा कि किस तरह से मैं वीडियो कॉल पर क्लास लेता हूं और किस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे नुकसान हैं, किस तरह से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस का क्या रूटीन रहता है, क्या टाइमिंग रहती है, और कौन सीख सकता है, कौन नहीं सीख सकता है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि हमारी ग्रुप क्लासेस भी चलती हैं, पर्सनल भी चलती हैं। अभी हाल ही में मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे ने वीडियो रिलीज़ किया इसी चैनल पर, उसमें वो बता भी रहे थे कि किस तरह से वो भी पर्सनल क्लासेस लेते हैं। क्लासेस दो प्रकार से हो सकती हैं, जिस तरह से ऑफलाइन भी होती हैं उसी तरह ऑनलाइन भी दो प्रकार से आप कोई सी भी क्लास ले सकते हैं। एक वन ऑन वन सेशन होता है, यानी जिसमें आप और मैं सिर्फ टीचर और एक स्टूडेंट होता है। एक ऐसी क्लास होती है जो ग्रुप क्लास होती है, जिसमें कि 4 से 7 स्टूडेंट बैठते हैं और एक तरफ टीचर होता है और पूरा वार्तालाप होती है, इंटरेक्शन होता है कि आप भी बात करते हैं, मैं भी बोलता हूँ, आपके सवाल मेरे जवाब। एक तरीका होता है लाइव रियाज सेशन का, जिसमें कि मैं रियाज करूँगा, आप लोग दूसरी तरफ बैठकर सिर्फ मेरा रियाज सुनेंगे, अपना माइक म्यूट रख के मेरे साथ रियाज भी करते रहेंगे ताकि मुझे भी डिस्टर्बेंस ना हो, ना ही किसी दूसरे विद्यार्थी को डिस्टर्बेंस हो आपकी आवाज़ से या आपकी घरेलू जो आवाज़ें आ रही हैं इर्द गिर्द उनकी आवाज़ों से। कई प्रकार के सेशंस होते हैं। पर्सनली मैं सिर्फ वन ऑन वन सेशन लेता हूँ, यानी कि फ़िलहाल आज की तारीख में, ये जुलाई 2024 में ये वीडियो रिलीज़ हो रहा है, तब तक की इन्फॉर्मेशन है, आगे का मुझे मालूम नहीं, आगे की इन्फॉर्मेशन जैसे भी बदलाव आएंगे वो सब मैं आगे आने वाले वीडियोस में देता रहूँगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मैं पर्सनली वन ऑन वन सेशन लेता हूँ, आधे घंटे का और एक घंटे का, दो प्रकार के सेशंस होते हैं। महीने में आप चाहें उतनी बार मेरे पास आ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन आपको चाहिए। महीने में अगर आप 8 दिन आना चाहें, जैसे कि वीकली ट्वाइस, वो भी कर सकते हैं, वीकली वंस, हफ्ते में एक बार अगर मेरे पास आते हैं, जैसे हर रविवार आप मेरे पास आ रहे हैं। हाल फिलहाल जुलाई 2024 मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, फिलहाल मैं रोज़ क्लास लेता हूँ, एक भी दिन छुट्टी नहीं है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जब मैं क्लास नहीं लेता, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं संडे को क्लास नहीं ले रहा हूँ या हॉलीडेज़ हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेशनल हॉलीडेज़ भी मेरी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि कोई छुट्टी ना रखूँ, आप लोग आएँ सीखें मेरे पास, जितना वक्त आप दे सकें मैं आपको दे सकूँ वो मुमकिन हो। तो फ़िलहाल मैंने जो अपना नियम बनाया है पर्सनल क्लास का, वो ये है, 7ों दिन मैं क्लास लेता हूँ। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग के भी बैचेज़ हैं और थोड़ा लेट नाइट के भी बैचेज़ हैं, क्योंकि जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ता है
वो अलग अलग प्रोफेशन का हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर आप विदेश में हैं, या फिर आप आर्मी में हैं। इनफैक्ट मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनफैक्ट आर्मी के भी हैं, जो इनफैक्ट हाउसवाइफ्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, NRIs हैं, इंडियंस हैं, इंडिया के अलग अलग कोने से, देश के, दुनिया के अलग अलग कोने से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, लोग मुझसे ऑनलाइन वीडियो कॉल पर संगीत सीख रहे हैं, और ये चीज़ मुमकिन हो रही है पूरे कम्फर्ट के साथ। तो आप जो समय मुझे बताएंगे मैं उस समय में अवेलेबल हूँ, उसके लिए स्क्रीन पर नंबर आ ही रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको और मालूम चल जाएगा कि मैं किस कौन से समय आप अवेलेबल हैं और किस समय मैं अवेलेबल हूँ। मेरी पूरी कोशिश है अभी फ़िलहाल कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ, तो मैंने सवेरे से शुरू हो जाता हूँ मैं फ़िलहाल 5-6 बजे से, और रात में 10-11 बजे तक मैं रेगुलर जो है अवेलेबल रहता हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है, फ़िलहाल का ये रूटीन चल रहा है, बाद में बदल भी सकता है तो वो उसी समय बता दिया जाएगा। फ़िलहाल ये मेरा टाइमिंग है, और इस टाइमिंग में आप अपने मुताबिक मुझे टाइम बताएं, और मेरे जो रेगुलर बैचेस होंगे, क्योंकि मैं 1-on-1 सेशन ले रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई उस सेशन में और भी कोई मौजूद है तो आपको उसके मुताबिक टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। मुझे आपके मुताबिक और आपको मेरे मुताबिक टाइम सेट करना है। ये हमारी आपसी समझ होगी कि भैया हफ्ते में एक दिन आने चाह रहे हैं या दो दिन आना चाह रहे हैं। एक दिन आना चाह रहे हैं तो सवेरे आना चाह रहे हैं, शाम में आना चाह रहे हैं, दिन में आना चाह रहे हैं, या कभी और आना चाह रहे हैं। जो भी आपका समय है वो आप मुझे बताएंगे, अगर मैं उस समय अवेलेबल हूँ तो मैं आपसे संपर्क करूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा। ये तो हो गई खैर टाइमिंग की और डेज़ की डिटेल। फ़ीस की डिटेल मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फ़ीस जो एक ऐसी चीज़ है जो बदलती रहती है। वैसे तो समय भी बदलता रहता है, लेकिन समय लगभग यही रहेगा, पैसे घटते बढ़ते रहेंगे, इसलिए फ़ीस की जानकारी यहाँ नहीं दे रहा हूँ। फ़ीस की जानकारी आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, जो उस समय की फ़ीस चल रही होगी वो आपको बता दी जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि ये 1-on-1 सेशन है, जिस तरह से किसी डॉक्टर से आप प्राइवेट अपॉइंटमेंट लेते हैं तो थोड़े उसके चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, अच्छे, है ना। क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि उसमें आपके सिवा कोई नहीं मौजूद है, पर्सनली आपकी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, पर्सनली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिखाया जाएगा। इस सेशन में मैं अपना सिलेबस तो रखता ही हूँ, ऑफकोर्स जैसे स्वर ज्ञान से हो, स्वर लय ताल सबसे पहले सरगम सिखाना हो, थाट सिखाना हो, लय सिखाना हो, ताल सिखाना हो, फिर जाके कहीं रागों की जानकारी देना हो, ये सब पे तो मेरा सिलेबस है ही है जिसमें मैं चलता हूँ। गीत गज़ल भजन सिखाना हो वो सब मैं करता हूँ। ये सेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शास्त्रीय संगीत का है, नॉट एट ऑल। इसमें आप लाइट म्यूज़िक भी सीख सकते हैं, गीत गज़ल भजन भी सीख सकते हैं, कव्वाली फोक सब कुछ सीख सकते हैं। इवन मैं तबले की क्लासेस भी लेता हूँ, हारमोनियम की भी लेता हूँ, गायन की भी लेता हूँ। आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहें, वो मुझसे संगीत से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो आधे घंटे का सेशन बुक करना है तो आधे घंटे का कर लीजिए, महीने भर का करना है तो घंटे भर का करना है तो घंटे भर का कर लीजिए। महीने भर की मैं फ़ीस लेता हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि एक महीने से ज़्यादा की मैं फ़ीस ना लूँ, एक बार मैं सिर्फ एक महीने की फ़ीस लूँ। मेरा कोई साल भर का बैच मैंने नहीं चालू कर रखा है, 6 महीने का, 3 महीने का, ये भी मैं बड़ी मजबूरी अगर किसी विद्यार्थी की है कि वो फ़ीस एक साथ जमा कराना चाहता है तो मैं ज़रूर उसकी सुन लेता हूँ, वरना मेरा ऐसा कोई बैच नहीं है फ़िलहाल, जुलाई 2024 से तो नहीं है, अभी आगे होगा तो वो हम चर्चा कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ये कुछ मेरी बातें हैं, ये कुछ मेरे नियम हैं। ख़ास जो मुझे इस वीडियो में बताना है वो ये है कि ऑनलाइन मैं सिखा कैसे रहा हूँ। फ़ीस हो, दिन हो, ये सारी चर्चाएँ तो हम वैसे भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। ख़ास जो मुझे आप लोगों को बताना है वो ये है, हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग आज की तारीख में 2500 वीडियोज़ हैं, 2500 वीडियोज़। इन वीडियोज़ में लगभग मेरी कोशिश, मेरे पिताजी की कोशिश, मेरी पूरी टीम की कोशिश, हमारी पूरी टीम की कोशिश ये रही कि लगभग हर सवाल का जवाब दे दिया जाए, ऐसा कोई सवाल ना छूटे जिस पर हमने बात ना करी हो। अलंकार, थाट, राग, रियाज, शाम का रियाज, दिन का रियाज, खरज का रियाज, गाना कैसे गाना है, नोटेशन कैसे निकालने हैं, रागें क्या होती हैं, किस राग में क्या बंदिश है, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, द्रुपद, धमार, तराना, ताल, तबला, हर चीज़ बताने की कोशिश करी। हारमोनियम पर हाथ कैसे तेज़ चलाएंगे, गले की हरकतें कैसे बढ़ाएंगे, ताने कैसे लाएंगे, ऐसा कोई टॉपिक हमने कोशिश करी है। पिछले 2012 से हमारा चैनल चल रहा है, आज 2024 हो गए मेरे ख्याल से, 12 साल लगभग हमें, 11-12 साल हो चुके हैं ये चैनल चलाते हुए। तो हमने कोशिश करी है इन 2500 वीडियोज़ में सब कुछ कवर किया है, फिर भी जो कुछ टॉपिक बच जाता है उस पर हम नए से नए टॉपिक पर बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। इन ही वीडियोज़ के माध्यम से आपको हम संगीत सिखाते हैं।
ये इतनी खास टेक्निक है, इतनी स्पेशल टेक्निक है आप लोगों के लिए। कोशिश करते हैं लोग कि मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लास हो जाए तो क्लास रिकॉर्ड हो जाया करे। हमारे रिकॉर्डेड सेशंस ऑलरेडी उपलब्ध हैं। अलंकारों का रियाज मुझे आपके साथ कराना हो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं भी है तब भी मेरे प्लेलिस्ट्स बनी हुई हैं अलग अलग पिच से। आप अगर अडल्ट मेल हैं तो सी पिच, सी शार्प पिच, ये आपका रियाज का पिच जो है शुरुआती पिच रहता है। उसमें थाट गाने हो कि अलंकार गाने हो, सबके मैंने गूगल ड्राइव लिंक्स भी बना रखे हैं, ऑडियो के मैंने वीडियो लिंक्स भी बना रखे हैं। और सबसे ख़ास बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारे के सारे पब्लिकली फ्री उपलब्ध हैं। यानी मेरी क्लास में जुड़ने के लिए मटेरियल का पैसा नहीं है बिल्कुल भी, कि लेसन प्लान का पैसा है कि भाई इनके पास एक मटेरियल बना हुआ है, लेसन प्लान बने हुए हैं जो ये हमें पेड वे में देते हैं, जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशंस पे होता है, जैसा कि कई लोग कराते भी हैं कि उनके जो सेशंस होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, वो पेड होते हैं, सिर्फ प्रीमियम मेंबरशिप या प्राइम मेंबरशिप लेने वाले ही उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने ऐसी कोशिश करी है, मेरे पिताजी ने ऐसी कोशिश करी है, संगीत प्रवाह वर्ल्ड की पूरी टीम ने ऐसी कोशिश करी है कि ये चीज़ हम लोग न करें। संगीत प्रवाह वर्ल्ड के वीडियोस फ्री में उपलब्ध हैं और सदा रहेंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि यही हमारा मकसद रहा है हमेशा से, यही हमें सिखाया गया है, यही हमने जाना है कि संगीत की शिक्षा का एक भी ऐसा भाग छुपा के न रखा जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने YouTube पर नहीं बताई हो या जो मैं अलग से क्लास में बता रहा हूँ। अब वाजिब सवाल आप लोगों का ये आता है कि फिर मैं क्लास में एडमिशन क्यों ले रहा हूँ, क्यों कोई मुझे पैसे देकर वीडियो कॉल पर मुझसे संगीत सीखेगा, जब मैंने ऑडियो लूप्स हों, वीडियो लूप्स हों, अलंकार कैसे बजाने हैं, रियाज में क्या क्या करना है, PDFs हों, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करा रखा है, फिर भी मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं, वीडियो कॉल पर सीखते हैं, क्योंकि एक चीज़ है जिसका कोई तोड़ अभी तक तो नहीं निकला है, इन फ्यूचर शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करे थोड़ा बहुत ढंग से तो करे, मगर पूरी तरह से वो भी नहीं कर पाएगा, वो है गुरु संगत। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, स्वर मीटर है, ट्यूनर पिच है, जो आपके सुर को जांच के आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव बता देती है, जो बता देती है कि आप सुर कौन सा सुर आपने लगाया, कौन से पिच पे आप गा रहे थे। कई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिसमें वो सारे गमा गवता है, फिर आप सारे गमा गाते हैं तो ग्राफ में दिखता है, हर चीज़ विजुअली अवेलेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इतना स्ट्रांग है कि घड़ी है, घड़ी की कांटे के साथ आप चलते हैं तो आपको टेम्पो नज़र आता है कि हाँ ये मैं स्पीड में चल रहा हूँ कि नहीं, भले ही आपको मेट्रोनोम कान से पता पड़े ना पड़े, विजुअली दिख जाएगा। तानपुरे में सुर मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये अगर आपको ना मालूम चले तो आपको विजुअली मीटर पे दिख जाता है कि आप सा लगाते हैं, हाँ सा दिख रहा है, रे लगाते हैं, रे लग रहा है। फिर ऐसा क्या है जो एक गुरु बताते हैं क्लास में, जब हर चीज़ आज की तारीख में मशीन कर सकती है, हर ट्यूटोरियल आपको मशीन दे सकती है, हर बात आपको यूट्यूब पे जानने को मिल सकती है, गूगल पे जानने को मिल सकती है, तो मेरे ख्याल से फिर तो डॉक्टर्स के पास किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का डायग्नोसिस गूगल कर देगा, आपने बस अपनी सिम्टम्स लिखे जो जो आपको लग रहे हैं फिर वो बता देगा। लेकिन फिर भी ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उतना समझदार नहीं है, सीधी सी बात। और इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक फैक्ट बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इंक्लूडिंग मी एज वेल, मुझे भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, मुझमें भी इतनी बुद्धि नहीं है कि हर चीज़ मुझे मालूम है, कि हर सवाल मेरा सही है। जवाब तब ठीक मिलते हैं जब आपका सवाल सही होता है, और वो सही सवाल खोजने का जो रास्ता है वही गुरु बताते हैं कि आपको पूछना क्या है एक्चुअली में। आप जानना तो चाहते हो लेकिन आपके सवाल की फ्रेमिंग गलत है, आपने सही शब्द नहीं चुने इसीलिए आपको जवाब नहीं मिला। वो सही सवाल बताता हूँ मैं क्लास में, इंस्टेंटली चेक करके, उसी समय जांच करके बताता हूँ कि आप क्या सही गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे हैं। YouTube से मैंने सिखा दिया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया भी है कि सीखने सिखाने में तीन स्टेजेस होती हैं मेरे मुताबिक। पहली स्टेज मेरा समझा देना, किसी भी गुरु का, किसी भी मेंटोर टीचर का, गाइड का समझा देना, बता देना। दूसरी स्टेज होती है स्टूडेंट का या जो लर्नर है उसकी, उसका उस बात को समझ लेना। और तीसरी सबसे ख़ास स्टेज होती है जो YouTube पे नहीं हो पाती है, वो है इंटरैक्ट करके ये पता करना गुरु का भी, गुरु भी ये जान ले कि भाई वो व्यक्ति जो मैं समझा रहा था वही समझा या कुछ और समझ गया। क्योंकि अक्सर समझने और समझाने में बस यही आखिरी स्टेज की मिस्टेक जो हो जाती है, इसी से बात खिंचती और खिंचती चली जाती है।
मैंने तो YouTube वीडियो में सब कुछ बता दिया स्पष्ट रूप से कि ये चीज़ ऐसे बजेगी, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा। आपने भी मुंडी हिला के हाँ 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 सही बात है समझ लिया। अब मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ ना, मैं तो कैमरा को देख रहा हूँ, तो मुझे क्या पता आपको क्या समझ आया। और आपको भी लग गया हाँ समझ तो आ गया, बड़ा आसान था, हाँ ये तो बढ़िया है, लेकिन जब करने गए तो गलत कर बैठे। और गलत रियाज से हानिकारक कुछ भी नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, अधूरी जानकारी ज़्यादा जानलेवा है बजाय कि इग्नोरेंट होने के। जिसको कुछ नहीं पता है वो तो खुश है, जिसको आधा पता है वही समस्या में है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल पर जो है शुरू करी। हमारी ग्रुप क्लासेस भी होती हैं खैर, और मेरे पिताजी भी पर्सनल क्लास लेते हैं, मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी हैं वो दोनों भी पर्सनल क्लास लेती हैं, उनके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, उस सबका जिक्र मैं इस चैनल पर कई बार कर चुका हूँ। आप मुझसे संपर्क करेंगे तो उनकी भी जानकारी मैं आपको वहाँ दे ही दूंगा व्हाट्सएप पर। कॉल मत कीजिएगा बार बार, मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा ताकि अच्छे से मैं आपको जानकारी उसकी मैसेज पर ही दे दूंगा। मैसेज पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हर सवाल के जवाब है मेरे पास, वीडियोज़ बना रखे हैं, ऑडियोज़ बना रखे हैं, पीडीएफ्स बना रखे हैं, तो आप जो भी सवाल करेंगे मैं वहाँ दे दूंगा। खैर, तो ये तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी हो गई कि किस तरह से आप मुझसे जुड़ेंगे, तो मैं कैसे सिखाता हूँ। जब आप मुझसे जुड़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपका सुर जांचता हूँ। फिलहाल तो ये प्रोसेस चल रहा है मेरा। सुर कैसे जांचता हूँ? आपके पास हारमोनियम नहीं भी होगा, मैंने रिकॉर्ड कर रखी है आवाज़ हर अलग 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 पिच में, तो आपको गवाता हूँ। सबसे पहले आपका नाम, जेंडर और उम्र, ये जानना ज़रूरी है। नाम और जेंडर से मुझे ये मालूम चलता है लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बच्चा है, छोटा है कि बड़ा है, बूढ़ा है, कैसा है, और हाँ उम्र से भी ये मुझे मालूम चलता है। उस मुताबिक आपका सुर डिसाइड होता है। मेल होंगे तो अलग पिच होगा, फीमेल होंगे तो अलग पिच होगा, ओल्ड महिला होगी उसका पिच अलग होगा, बहुत बुज़ुर्ग पुरुष होंगे उनका सुर अलग होगा, बहुत छोटा बच्चा है उसका सुर अलग होगा। सबके सुर अलग अलग होते हैं, पिच अलग होते हैं, तो वो डिसाइड करके मैं आपका पिच जाँचता हूँ। पिच जाँचने के बाद मैं आपको लेसन देता हूँ कि इसको प्रिपेयर करके पहले मुझे भेजो। तुरंत क्लास नहीं शुरू हो रही है, पहले मैंने आपको फ्री में ही सिखाना शुरू कर दिया है, और जैसे ही आप वो प्रिपेयर करते हैं फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि अब बताइए कि आपको कौन सा बैच चुनना है। क्या आप मुझसे व्हाट्सएप पर ऑनलाइन वीडियो कॉल पर सीखना चाहते हैं, या फिर बस इसी तरह से व्हाट्सएप पर वीडियो बना बना के भेजते रहें और मैं जाँच करता रहूँ। व्हाट्सएप पर वीडियो बना के भेजेंगे, जाँच करेंगे, मैं वहाँ भी सिखा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बहुत से निःशुल्क विद्यार्थी मुझसे वहाँ ऐसे ही सीख रहे हैं। उसमें बस समस्या ये आती है, जिस तरह से कोई सी भी चीज़ को जब आप पे कर देते हैं, पैसे दे देते हैं, उसकी दक्षिणा, उसका प्राइस पे करते हैं, तो आप थोड़े से स्पेशल फीचर्स आपको मिलते हैं। यानी सीधी बात है, वीडियो कॉल पे आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरा पूरा अटेंशन आपके पास है। अब आधा घंटा एक घंटा मैं और किसी के पास नहीं हूँ, सिर्फ आपका हूँ। आप आधे घंटे तक मुझसे जो चाहे वो पूछें, संगीत से संबंधित ऑफकोर्स, और मैं आपको बताऊँगा आपके सिलेबस मुताबिक भी। ये भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुताबिक ही बताऊंगा कि मैं जो सिखाऊंगा साहब वही सीखोगे तुम, नहीं मैं लाइट नहीं अभी सिखाएंगे हम, या ये सवाल का जवाब नहीं देंगे वो नहीं देंगे, नहीं। आधे घंटे आप और मैं, फिर हम जो चाहें वो चर्चा कर सकते हैं संगीत पर। उसमें आपके आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, संगीत है उससे रिलेटेड बात हो, आप ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड सिंगर हैं और आपको किसी ट्यूटोरियल की कुछ टिप्स की ज़रूरत है उसकी बात हो, जो यूट्यूब पर मैं करता हूँ वही मैं ऑनलाइन क्लासेस में करता हूँ बेसिकली, कि आपके सवालों के जवाब देता हूँ बेसिक, ठीक है। और अपना एक सिलेबस तो ही है, उसमें जो जो आप सीखना चाहें वो मैं सिखाता ही हूँ वहाँ, ठीक है। तो कई मैंने ट्यूटोरियल्स वैसे भी बना रखे हैं। मेरा जो दूसरा एक चैनल है मास्टर निषाद पांडे के नाम से, वो इतना कोई फेमस चैनल नहीं है, क्योंकि मैंने उस चैनल को ऐसा बनाया भी नहीं था कि मुझे वहाँ वीडियोज़ डाल के फेमस होना, नहीं। वो तो मैंने एक तरह से मटेरियल सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, वीडियोज़ करने के लिए मैंने डाल रखा था। पहले मैं प्राइवेट करता था वीडियोज़ वहाँ पे, ताकि सिर्फ स्टूडेंट्स को भेज सकूं। अब मैंने उसे पब्लिक कर दिया है कि और भी किसी को अगर वहाँ से पब्लिकली वो जो मटेरियल है वो इस्तेमाल करना है तो वो कर सकता है, जिसमें अलग अलग थाट की प्लेलिस्ट्स हैं, अलग अलग सुरों की प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग रागों की प्लेलिस्ट हैं। इनफैक्ट मैं रागों की बंदिशें सिखा रहा हूँ, आलापतान सिखा रहा हूँ, वो सब उसमें मटेरियल अवेलेबल है जो मैं क्लास में सिखाता हूँ। गाने के नोटेशन सिखाता हूँ, वो भी वहाँ बताता रहता हूँ साथ में। इस मेन चैनल पर नहीं डालता हूँ क्योंकि संगीत प्रभाव वर्ल्ड पर इसलिए पोस्ट नहीं करता हूँ वो सारे वीडियोज़, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। और वो वीडियोज़ इतनी कोई खास क्वालिटी में नहीं बनाता हूँ, बस ऐसे ही बना लेता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए और वो साथ में उनका रियाज करके। हाँ, थोड़ा ऑडियो क्वालिटी अच्छी रखता हूँ ताकि सामने वाला समझ सके, और हारमोनियम की फ्रेम वगैरह देता हूँ। आगे भी उस पर अपलोड होते रहेंगे कई वीडियोस, ठीक है, जो ट्यूटोरियल्स के लिए हैं बेसिकली, जिनके साथ रियाज किया जा सकता है। मगर सीधी बात है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, ज्ञान तो किताबों में भी है, मगर किताबों से नहीं सीखा जाता, गुरु से सीखा जाता है। किताबें उस व्यक्ति के काम आती हैं जो सीखा हुआ है। मेरे वीडियोज़ के माध्यम से वो ज़्यादा जल्दी सीख लेगा जो ऑलरेडी सीखा हुआ है। बहुत ज़्यादा बिगनियर कोई है, उसको मेरे वीडियोस उतने खास समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो भटक जाएगा कि कहाँ से शुरू करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, तो वो कान कभी ऐसे पकड़ेगा कभी ऐसे पकड़ेगा, वो सही रास्ता नहीं अपना पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं क्लास में गाइड करता हूँ।
तो अगर आप लोग पूछें कि सब कुछ तो मैंने फ्री में दे रखा है तो किस बात का पैसा है, तो वक्त का और गाइडेंस का पैसा है। एंड इनफैक्ट वो वक्त और गाइडेंस भी आज की तारीख में जुलाई 2024 बार बार कह रहा हूँ मैं व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर रहा हूँ पर्सनली, मैं और कोई नहीं, मेरी कोई टीम नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, मैं खुद ही हूँ जो खुद आपको बताता है। हाँ, हमारी ग्रुप क्लासेस की ऑफकोर्स पूरी टीम है और वहाँ मैनेजर भी हैं जिनसे आप संपर्क भी करते हैं, दूसरा नंबर जो हमारा बार बार आप अलग अलग वीडियोज़ में देखते हैं तो वो आपको बता भी देते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट मुझसे आना है तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, आप ग्रुप क्लास में जाना चाहें वहाँ भी जा सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि मेरे सिखाने में कुछ अलग बात है या वहाँ ग्रुप क्लास में कुछ अलग बात है, नहीं, वहाँ भी उतना ही बेहतरीन सिखाया जाता है, इन्हीं वीडियोज़ का इस्तेमाल करके वही गाइडेंस आपको दी जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीडियोज़ के माध्यम से सिखाता हूँ, पर्सनली नहीं सिखाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियोज़ के माध्यम से आप रियाज़ करते हैं, तैयार करते हैं, मुझे लाकर जाँच कराते हैं, जाँच मैं करके देता हूँ, वीडियोज़ मेरे ही हैं, मैं ही गा रहा हूँ, है ना, क्योंकि वीडियो कॉल पर अगर आप मेरे साथ साथ गाएंगे तो भैया टाइम डिफरेंस आएगा ना, एक सेकंड के बाद आवाज़ जाती है, तो ऐसा नहीं मुमकिन है कि मैं ताली लगाऊं और आप ताली लगाएं तो हमारी ताली साथ में आ जाए, कि मैं आवाज़ लगाऊं और आप आवाज़ लगाएं तो वो आवाज़ साथ में एक टाइम पे आए। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं वीडियोस बना दूं और उन वीडियोस के माध्यम से आप सीख सकें और मुझे जाँच करा सकें। तो ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ज़रूर सीखा जा सकता है, क्योंकि नहीं सीखने वाले तो ऑफलाइन में भी नहीं सीखते, क्योंकि लेसन तैयार करने की बात होती है, सीखने सिखाने में वो जो सबक दिया जाता है वो कितना तैयार हुआ है बात उसकी है। पढ़ने वाले बिना स्कूल जाए भी पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते हैं, जो क्लास में ही आकर नहीं सीख पाते हैं उनका भी कुछ नहीं हो सकता फिर, तो ऐसा नहीं है, सीखा जा सकता है ऑनलाइन वीडियो कॉल पर, मैं सिखा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं लोग और इनफैक्ट बहुत आगे तक बढ़ गए हैं, यानी कई रागों तक पहुंच गए हैं, कई लोगों को सुर ज्ञान हो रहा है, लय ज्ञान हो रहा है, लय समझ आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, गीत नए नए गीत बना रहे हैं, इनफैक्ट उपज अंग तक पैदा हो गया है उनमें, जो लोगों को ऑफलाइन क्लास में आके नहीं होता है वो ऑनलाइन क्लास में मुमकिन हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ मैं बोल चुका हूँ, बाकी और भी कुछ नया ध्यान आएगा तो ज़रूर बताऊँगा। जुड़े आप मुझसे, संगीत प्रभा वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत कीजिए क्योंकि कॉल उठाना मुमकिन नहीं होता है, सारे कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाता हूँ, तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। सबसे आखिर में तो माफ़ी मांगूंगा आप सभी लोगों से, काफ़ी महीनों से इस चैनल पर कुछ अपडेट नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ मेरा ये वादा है जल्द बहुत कुछ आने वाला है, आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज़ है और मुझे भी बहुत खुशी होती है आप सभी लोगों से यहाँ मिलकर, आप सभी लोगों को बहुत कुछ बताने की इच्छा होती है, जो जो कुछ मैं सीखता हूँ वो सब आपको देता हूँ। मैंने बार बार कहा मैं कोई बड़ा गुरु नहीं हूँ, बहुत कोई बड़ा मेंटोर नहीं हूँ, कोई उस्ताद नहीं हूँ, एक शिष्य हूँ, एक जिज्ञासु हूँ, अच्छा लगता है, जीवन है संगीत मेरा, तो जो कुछ अपने जीवन में सीखा है अपने दोस्तों के साथ, अपने को लर्नर्स के साथ बांटने में क्या बुरा है, अच्छा ही तो है, यही तो करते हैं हम लोग, है कि नहीं, जो कुछ जानते सीखते हैं सलाह दे देते हैं कि यार ये वाली गलती मत करना, मैं कर चुका था, तो मैंने कई गलतियां करी हैं संगीत में, तो बस अपनी गलतियां, वो गलतियां कोई और ना करे, उनका समय बच जाए, इतनी सी मेरी उम्मीद रहती है, इतनी सी मेरी इच्छा है इस यूट्यूब चैनल को चलाने की। जुड़े रहें, देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल, जल्द मिलते हैं, ख्याल रखें, शुक्रिया।